एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलॉजी लीगल। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसे सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया गया है तो वो है आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन को सदियों तक सर्वाइव करना होता है, पर बदलते टाइम के साथ साथ सोसाइटी की सोच बदलते जाती है। इसीलिए आर्टिकल 21 का मीनिंग और पर्पस हमने वक्त के साथ साथ इंटरप्रेट किया है। तो लाइफ से लेके डेथ तक रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ और भी बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज जैसे फ्रीडम, डिग्निटी, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ऐसी सारी चीजें ही डिस्कस किए गए हैं आर्टिकल 21 में। तो चलिए आज के वीडियो में आर्टिकल 21 डिस्कस करते हुए हम ये समझते हैं कि कैसे केस बाय केस बेसिस से लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग इवॉल्व हुआ है। आर्टिकल 21 जो कि अवेलेबल है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ही, कहता है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 के मेन ये तीन कीवर्ड्स हैं। अगर हम ये तीन कीवर्ड्स समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 21 समझ जाएंगे। शुरू करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से। आर्टिकल 21 मेनली इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उनका प्रोविजन कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट्स के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के एक्शंस को कंट्रोल कर सके। मतलब वो सब्सटैंटिव लॉज कि लॉज क्या होने चाहिए वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रोसीजरल लॉज कि ये वाले लॉज कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कैसे फॉलो होंगे, उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिन भी कंट्रीज में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वहां के कोर्ट्स को ये पावर होता है कि वो अपने लेजिस्लेचर से ये दो सवाल पूछ सके, पहला कि क्या आपके पास पावर है ये लॉ बनाने की, और दूसरा कि क्या ये लॉज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से कंप्लायंट है या नहीं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब नेगेटिव में होता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पार्ट ऑफ लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। इसलिए डॉक्टर बी अम्बेडकर ये चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी ये फ्रेज यूज किया जाए, पर सर अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये कहा कि आगे जाके जब भी हमें सोशल लेजिस्लेशन लाने पड़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज किया जो सिर्फ इन पे फोकस करता है। तो फाइनली आर्टिकल 21 में यूज हुआ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसी वजह से 1978 तक हमें सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिली थी। मतलब वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं थे, हम सिर्फ उन्हें चैलेंज कर सकते थे। पर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से हमें अब भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। पर ये सारी बातें थी 1978 तक की। क्यों? क्योंकि 1978 में आ गया था मेनका गांधी केस। इस केस ने आर्टिकल 21 का स्कोप और भी इलैबोरेट कर दिया। तो ये था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब समझते हैं लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को। पर्सनल लिबर्टी को हम समझते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज के थ्रू। पहला है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ कि ए के गोपालन को डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर। तो उन्होंने उस एक्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो एक्ट है ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ दो केसेस में इन्फ्रिंज होती है, पहला अगर कोई फिजिकल रिस्ट्रेंट हो और दूसरा कोअर्शन के केस में। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही है। है ना ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन? जी हाँ, इस केस में पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया गया था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में क्या हुआ कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो गवर्नमेंट ने इम्पाउंड कर लिया, सीज कर लिया बिना कोई रीजन दिए हुए। गवर्नमेंट के इस एक्शन को मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, ये सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट या कोअर्शन से ही इन्फ्रिंज हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में ए के गोपालन के नैरो व्यू को ओवररूल किया गया और यहां से आई हमारी पर्सनल लिबर्टी की वाइडर डेफिनेशन। और अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर है, ऐसा कोई भी लॉ है जिसे पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना है, उस लॉ को पास करना होगा टेस्ट ऑफ रीजनेबल। मतलब उस प्रोसीजर को होना चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया था। आर्टिकल 21 में दोनों ही इंक्लूड होने लगे थे। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में। तो इस एक कीवर्ड में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इंक्लूडेड है, जैसे इन्वायरमेंट, हेल्थ, डिग्निटी, लाइवलीहुड, एजुकेशन। ना ना करते हुए भी कुल 14 से 15 ह्यूमन राइट्स इंक्लूडेड है
लाइफ के अंदर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जिससे हमें ये समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास कुछ करने का हक है तो उनके पास उसे ना करने का हक भी है। मतलब अगर मेरे पास राइट टू लिव है तो मेरे पास राइट नॉट टू लिव भी है, यानी कि राइट टू डाई भी है। तो क्या ये सही है? यही क्वेश्चन डिस्कस किया गया था पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में क्या हुआ कि जो पिटिशनर्स थे उन्हें सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी के अंदर सजा मिलने वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड किया था। उन्होंने सेक्शन 309 को चैलेंज किया और ये कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर हमें राइट टू डाई भी मिला हुआ है, इसलिए सेक्शन 309 को इनवैलिड करा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई मिला हुआ है, इसलिए इसे इनवैलिड करार देना चाहिए। पर आज के डेट में जो लॉ फॉलो होता है वो हमें मिला है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउड नहीं है, तो अगर आपको राइट टू लाइफ मिला हुआ है तो आप उसे गिव अवे नहीं कर सकते। मतलब राइट टू डाई आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड नहीं है और सेक्शन 309 वैलिड होगा। इसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी। ये एज अ सेपरेट फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता है और हम इसे हमेशा आर्टिकल 21 के अंदर ही इन्फर करते हैं। इसका पहला इंपॉर्टेंट केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर किसी भी तरह का अनऑथराइज डिस्टर्बेंस होता है तो वो वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी ही होगा। इसके बाद आया PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसे टेलीफोन टैपिंग केस भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है और जब तक पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी की बात ना उठे तब तक आप किसी की भी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू गेट पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ कि मसूरी और देहरादून बेल्ट में बहुत ज्यादा इलीगल और अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही थी, तो RLEK वालों ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा ये सब बताते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को एक रिट पिटीशन के जैसे ट्रीट किया और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये कह दिया कि जो सारी इलीगल माइनिंग हो रही है, जो सारे एक्सकवेशन हो रहे हैं, इन्हें तुरंत रोक दिया जाए। RLEK केस, MC मेहता केस और फाइनली T. Damodar Rao केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट होता है आर्टिकल 21 के ऊपर। तो देखिए, आर्टिकल 359 के थ्रू प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सके। इसी वजह से कुल 3 बार चाइनीज अटैक के वक्त, पाकिस्तान अटैक के वक्त एंड इंटरनल इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया था। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 सस्पेंड किया जा सकता है। बट फिर आया 44th अमेंडमेंट जिसने आर्टिकल 359 को ही अमेंड कर दिया और फाइनली अब ये लॉ है कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 21 को ऐसे ही सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आई होप आर्टिकल 21 का ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।